नमस्ते, लताज किचन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ। लौकी से बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट्स तैयार की जा सकती हैं, जैसे लौकी की खीर, लौकी का हलवा, लौकी की बर्फी। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ लौकी की बर्फी। आइए देखते हैं लौकी की बर्फी बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। लौकी की बर्फी बनाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 500 ग्राम्स लौकी, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 250 ग्राम्स खोया, जिसे मावा भी कहते हैं। 1 कप फुल क्रीम मिल्क। 150 ग्राम्स शुगर या आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा। 2 बड़े चम्मच देसी घी। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। 15 पिस्ते कटे हुए। 10 बादाम लंबाई में कटे हुए। आइए लौकी की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक हैवी बॉटम कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें देसी घी डाल देंगे। अब कढ़ाई के नीचे गैस ऑन करेंगे। अब कढ़ाई में कद्दूकस की गई लौकी डालेंगे। लौकी को 5 मिनट चलाते हुए सॉटे करेंगे। लौकी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा करने से लौकी सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसका कुछ पानी भी इवेपोरेट हो जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि लौकी कद्दूकस करने के बाद काली पड़ जाती है। अगर हम कद्दू छीलने के बाद लौकी को पहले पानी से वॉश कर लें और फिर कद्दूकस करें तो लौकी काली नहीं पड़ती। गैस मीडियम रखेंगे। लौकी का काफ़ी जूस सूख गया है। और 5 मिनट भी हो चुके हैं। अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे। अब हम इसको मीडियम गैस पर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे ये बॉटम में या साइड में लगे नहीं। बर्फी जमाने से पहले हम एक थाली में थोड़ा सा देसी घी लगाकर चिकनी करके रखेंगे, जिससे इसमें से बर्फी आसानी से निकल सके। बीच बीच में मिश्रण को चलाते रहेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक दूध पूरी तरह से सूख जाए। मटेरियल काफ़ी ड्राई होने लगा है। अब मटेरियल काफ़ी सूखा हो चुका है, दूध काफ़ी इवेपोरेट हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छी तरह से मटेरियल में मिला देंगे। हमारी लौकी का कलर बहुत सुंदर है। चीनी पड़ने के बाद एक बार से फिर मटेरियल जूसी हो जाता है। अब हम इसका जूस सूखने तक फिर से पकाएंगे। लौकी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। आप लौकी को ग्रेट करने के लिए ग्रेटर का यूज़ कर सकते हैं या फूड प्रोसेसर का भी यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल काफ़ी थिक हो गया है, इसका काफ़ी जूस ख़त्म हो चुका है। अब हम इसे बस थोड़ा सा और पकाएंगे। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ खोया मिलाएंगे। गैस कम कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि ये इकट्ठा होकर एक डो की तरह ना बन जाए। इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे।
हमारा मटेरियल फिर से काफी पतला हो गया है। बर्फी का मटेरियल काफी गाढ़ा हो गया है और इकट्ठा होने लगा है। बर्फी का मटेरियल तैयार है, अब ये काफी इकट्ठा हो गया है। अब हम इसे ग्रीस्ड थाली में निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे। इस मटेरियल को हम थाली में निकाल लेंगे। हमने सारा मटेरियल थाली में निकाल लिया है, अब हम इसे सारा एक मोटाई का कर लेंगे, फैला देंगे इसको अच्छी तरह से। अब हम इस बर्फी के मटेरियल के ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें काजू भी डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसको हल्का सा दबा देंगे और मटेरियल को ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। जब ये मटेरियल पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और फ्रिज में सेट होने के बाद हम इसको मनचाही शेप और साइज में काटेंगे। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। लौकी की बर्फी सेट हो चुकी है, अब हम इसे मनचाही शेप और साइज में काट लेंगे। हम इसे स्क्वायर शेप में काटेंगे, आप चाहे तो डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। इसी तरह हम सारी बर्फी निकाल लेंगे। बर्फी का कलर बहुत ही सुंदर आया है। लौकी की बर्फी बनकर तैयार है। बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इसे आप कभी भी स्वीट डिश की तरह सर्व कर सकते हैं। आप इस बर्फी को फेस्टिवल में भी बना सकते हैं, फास्ट में खा सकते हैं और अपने लाडले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए टिफिन में भी रख सकते हैं। लौकी की बर्फी देखने के लिए आपका धन्यवाद।